वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बात करूंगा TDA 2050 5 IC पे बना हुआ 5.1 या फिर 6.1 आप इसको बोल सकते हो, इस बोर्ड की फुल वायरिंग और साउंड टेस्ट वीडियो। इसका रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। जिन प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहाँ पर क्या लगाना है सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए 5 बोर्ड, ये बेस का, ये ऊपर का, ये वॉल्यूम का और ये दो स्पीकर का। पहले बेस का पोटेंशियोमीटर लगा लेते हैं, ये 3 पिन का है, ये मैं लगा लेता हूँ। आप 20-100K का भी पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो और 20-47K का भी, मेरे हाथ में है 20-47K, मैं इसको लगा दूंगा। आपको लेफ्ट राइट कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पोटेंशियल मीटर को उल्टा पकड़ना है और एक के बाद एक लगा देना है। मैं पहले बीच का लगा लिया, फिर लेफ्ट और राइट, और एक बार देख लीजिए, बीच वाली बीच में है और राइट पे रेड वायर है और लेफ्ट पे ब्लैक वायर। आप मेन वॉल्यूम पे आते हैं, 2047K का 6 पिन पोटेंशियोमीटर है मेरे हाथ में। इसका ग्राउंड, इनपुट और आउटपुट मैं दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड इसका ग्राउंड है, राइट साइड इनपुट है और बीच में आउटपुट। आपको ऐसे जोड़ना है, मैं दिखा देता हूँ कैसे जोड़ना है। ये मेरे हाथ में ब्लूटूथ पैनल है, ऑडियो इनपुट, इसका जो वायर है 3 पिन का आता है, ये देखिए इसका बीच में ग्राउंड रहता है और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट रहता है, ये तो आप लोगों को पता है। पहले इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, देखते रहिए मैं कहाँ पर क्या लगा रहा हूँ। देखिए मैंने ग्राउंड को जोड़ दिया, फिर लेफ्ट चैनल और राइट चैनल को जोड़ूंगा। ये हो गया हमारा सोल्डरिंग का काम, ये जो इनपुट है ब्लूटूथ पैनल का वो आ गया है पोटेंशियोमीटर पे। अब बोर्ड का जो है इनपुट, उसका पिन, ये 3 पिन है, वो मैं लगा लेता हूँ। देखिए कैसे लगाना है। वायर का बीच में जो पर्पल कलर है वो ग्राउंड है और लेफ्ट राइट दोनों तरफ है, रेड और ब्लैक लेफ्ट और राइट है। पहले ग्राउंड को जोड़ लेते हैं ग्राउंड के साथ। एक ग्राउंड मैंने जोड़ दिया, अब लेफ्ट और राइट बाकी है, वो भी जोड़ दूंगा, आप देखते रहिए। ब्लैक वाले वायर भी जोड़ दिया, अब बाकी है रेड वायर, इसको भी जोड़ दूंगा मैं बीच में, क्योंकि ये आउटपुट है और बोर्ड का इनपुट है। ये मैंने जोड़ दिया और एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए कहाँ मैंने कैसे कनेक्ट किया। सफ़ेद वाली जो 3 वायर है ये तो ब्लूटूथ पैनल का है और बाकी 3 वायर पोटेंशियोमीटर पे बोर्ड के इनपुट के लिए गया है। ब्लूटूथ पैनल पे मैं लगा लेता हूँ इसका इनपुट और पोटेंशियोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। बीच में है पोटेंशियोमीटर, यहाँ से गया और बोर्ड पे चला गया। अब ब्लूटूथ पैनल पे 5 वोल्ट लगा लेता हूँ, इसका 5 वोल्ट का पिन है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर पॉजिटिव है। ये देखिए पॉजिटिव 5 वोल्ट लिखा हुआ है दाएं तरफ। इस वायर को मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ क्या है वायर पे जो सिंबल बना हुआ है। ये देख रहे हो लंबी लंबी लाइन, बीच में एक डॉट है, वही है इसका पॉजिटिव, ये रहा। यहीं पे आपको 5 वोल्ट पॉजिटिव लगाना है। बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे जो 5 वोल्ट निकल के आ रहा है 7805 होके, पहले ग्राउंड देख लेते हैं। जो बड़ा सा ट्रैक के साथ जो लाइन ज्वाइंट हुआ है वो इसका ग्राउंड है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे इसका ग्राउंड है और राइट साइड पे इसका पॉजिटिव 5 वोल्ट आ रहा है। पिन को लगा लेता हूँ और कलर कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ वायर का। वो जो ब्लैक वाली है वो ग्राउंड है और ये जो बाकी जो वायर है ये हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मैं जोड़ देता हूँ, आपको भी ऐसे जोड़ना है। आप ग्राउंड को भी मैं जोड़ देता हूँ, सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और आपको ऐसे ही जोड़ना है, गलती मत कीजिए वरना ब्लूटूथ पैनल आपका ख़राब हो जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया, हो गया ब्लूटूथ पैनल का 5 वोल्ट इनपुट। आप बोर्ड का जो मेन पावर इनपुट है वो मैं दिखाऊंगा। ट्रांसफार्मर लगाना है आपको 12025 एम्पियर का। मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है वो 12025 एम्पियर और 012 का एक चैनल है, 2 येलो वायर, ये 012 है, और ये दो जो रेड वायर है
ये हमारा 220 वोल्ट इनपुट है और यहाँ पे जो आ रहा है 3 12 0 12 5 एम्पियर का, और जो दो ब्लू वायर है ये 2 12 वोल्ट आ रहा है, और बीच में जो ग्रीन वायर है ये 0 है। मैं इसको लगा लूँगा ट्रांसफार्मर को बोर्ड के साथ, आप देखते रहिए कैसे जोड़ना है। बोर्ड पे देखिए जहाँ पर 12 0 12 लिखा हुआ है वहीं पे आपको ट्रांसफार्मर लगाना है। इसका सॉकेट भी मिल जाते हैं बोर्ड के साथ, वो मैंने लगा दिया। ये जो रेड और ब्लैक है इसमें आपको 12 लगाना है, और बीच वाली वो ग्राउंड है इसके साथ 0 देना है। ये मैंने ट्रांसफार्मर का जो ग्रीन वायर है ये मैं जोड़ देता हूँ 0 के साथ। ये हमारा 0 0 हो गया, और अभी बाकी है 12 और 12 लगाना है। 12 वोल्ट को आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, रेड के साथ भी और ब्लैक के साथ भी, कोई भी आप लगा सकते हो। ये जो बोर्ड है ये 3 एम्पियर पे भी चलता है, लेकिन 5 एम्पियर इसके लिए सबसे बेस्ट है। आप 12 0 12 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाइए, आपको फुल आउटपुट मिलेगा 160 वाट की। और यार देख लीजिए कहाँ मैं कैसे ज्वाइंट किया, ऐसे आपको जोड़ना है ट्रांसफार्मर का वायर। अब बाकी है स्पीकर जोड़ना। ये स्पीकर का टर्मिनल है 2 और 1 ऊपर का, मैं वो भी लगा लेता हूँ। ऊपर का वायर पहले जोड़ देता हूँ, कनेक्टर जो है उस पर लगा दिया मैंने ऊपर का वायर, ऊपर हो गया। अब 2 स्पीकर लगाऊंगा, अब ग्राउंड देख लेते हैं बाहर की तरफ। ये रहा इसका ग्राउंड और ये भी इसका ग्राउंड है, दोनों है, 2 तरफ है ग्राउंड। ब्लैक वाली जो वायर है वो मैं ग्राउंड पे रखूँगा और बाकी वायर सब पॉजिटिव पे। देखते रहिए ठीक से कैसे मैंने लगाया। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास जो स्पीकर है वो 2 है मेरे पास और ऊपर 1 है, मैं 3 से चेक करूँगा। अब देखते रहिए, ग्राउंड मैंने अलग कर लिया और 3 पॉजिटिव यहाँ मेरे हाथ पे है। साब ऊपर पहले जोड़ लेता हूँ। मेरे पास जो साब ऊपर है वो डाब ऑडियो का है, लगभग 70 वाट का आउटपुट है, 70 या फिर 80 वाट RMS आउटपुट है, उसका यार मैंने लगा दिया। अब जो बाकी है स्पीकर लगाना है, मैं 2 सैटेलाइट स्पीकर लगाऊंगा। एक है स्वीटन का 40 वाट पीक पावर का सैटेलाइट स्पीकर 8 ohm का। इस सैटेलाइट स्पीकर का रिव्यू और साउंड टेस्ट वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। इसका जो नेगेटिव है जो ग्राउंड है इसके साथ जोड़ देता हूँ, और रेडियर खाली छोड़ूंगा, किसी के साथ भी लगाऊंगा ये चलेगा। और दूसरा जो सैटेलाइट के लिए काम में लूंगा वो स्वीटन का 4 ohm 20 वाट ऊपर है 4 इंच का, इसको भी जोड़ लेते हैं। इसका भी ग्राउंड में लगाऊंगा और पॉजिटिव को छोड़ दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस बोर्ड का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ जाके आप खरीद सकते हो। आसपास ईयरफोन है तो लगा लीजिए, साउंड टेस्ट करते हैं। ब्लूटूथ मोड।